ये देखिए अब हमारा सातेर रेडी हो रहा है। ये मैंने किए थे सारे स्टिक, अब ये ग्रिल पे आ गया। देखो नाउ वी हैव टू केक्स, एक ये और एक ये कौन सा केक? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि दोपहर हो गई है, 1:19 दोपहर के। मैं उठी 11 बजे रात को, एयरपोर्ट गई थी पप्पी को छोड़ने, एंड फिर ये आज हल्की फुल्की ऐसी सिस्टर ने जो है वो किया है प्लान के चलो साते बनाते हैं, इंडोनेशियन डिश है एंड फ्राइड राइस, दैट्स एन इंडोनेशियन डिश। तो मैं फ्री बैठी थी तो उसने, उनकी मासी कहीं और लगी हुई है तो उसने मुझे कहा कि तुम खीरा ही छील दो, उसने मुझे ये दिया छीलने के लिए। मैंने कहा नहीं, आई प्रेफर टू हैव नाइफ, नाइफ से छीलूंगी मैं इसको, छील के फिर आपको बताएंगे, दिखाऊंगी कि साते बनते कैसे हैं, विल शो यू। वैसे तो वो आई थिंक घीटी वगैरह में बनते हैं उसको, अगर आपको बारबेक्यू टाइप, बट आई डोंट नो ये कैसे बनाती है, देखते हैं। शी इज़ गोना मेक इट। बस मेरा ये लास्ट वीक ही है कराची में, देन आई एम फ्लाइंग बैक टू यूनाइटेड स्टेट। बहुत मज़ा आया मुझे कराची में, आई हैड फन विथ माई बेस्ट फ्रेंड, आई हैड फन विथ माई फैमिली, लॉट ऑफ पान दैट आई ईट, बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया लाइफ को फुल टाइम। यहाँ की इन्जॉयमेंट बिल्कुल अलग है, और 18 साल बाद आई थी तो मैंने देखा कि काफ़ी जो ट्रैफिक है ना फुल हो गया, जब मैं पहले यहाँ पर होती थी इतना नहीं था, बहुत ज़्यादा हो गया, लॉट ऑफ पीपल, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पर भी। एंड बाकी ये कि शॉपिंग बहुत मज़े की इधर, शॉपिंग की मैंने अभी भी रहते हैं कुछ, तो मैं जाते जाते दूँगी इंशाल्लाह, और आपको मैं दिखाऊंगी कि बनता कैसे है वो साते एंड नासी गोरेंग। इंडोनेशियन में फ्राइड राइस को बोलते हैं नासी गोरेंग, और साते तो आप लोग को पता ही होगा इट्स मलेशियन भी होता है वो, लेकिन इंडोनेशियन है तो पीनट सॉस के साथ होता है, बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में, मैं इंजॉय दिखाती हूँ। वन सेकेंड, बहुत गर्मी भी है बस थोड़ी सी यहाँ पर, बट इट्स ओके, आई एम एंजॉइंग इट द मोमेंट, क्योंकि वहाँ पर मैंने सुना है अभी तक सर्दी है, मेरी सिस्टर बता रही थी छोटी वाली, बट अगेन वहाँ भी अब समर होने ही वाला है शुरू, सो लेट्स सी, हाँ इंशाल्लाह बस खैरियत से पहुँचूँ। कल पप्पी भी आई हुई थी तो पप्पी को सी ऑफ किया एंड वो हॉलैंड चली गई, एंड इट वाज फन विथ हर, स्पेंड अ लिटिल बिट टाइम, इट वाज गुड। बाकी यह है कि अभी कीरा जो है ना ऑलमोस्ट डन, इसको छीलना भी एक मुश्किल टास्क है, बट इट्स ओके, इतना भी मुश्किल नहीं है खैर जितना मैं बोल रही हूँ, बट इट्स फन। जो कीरा का जो एंड होता है ना, इसको देखिए, ये नहीं, ये तो बड़ा बड़ा तो निकाला था मैंने, कहाँ गया, हाँ ये बड़ा बड़ा वाला, नहीं इसको मैंने लगा दिया था, आई थिंक ये बड़ा वाला भी था यार, क्यों फेंके हमने का ज़ाया क्यों करें, मैं अपने फेस पे ना लगा लूँ अच्छे से, इसका पानी मज़े से ठंडा ठंडा अच्छा ही रहता है फेस के लिए भी, ये देखिए ऐसे, अच्छा लगता है इसे लगा लो, फ्रेश चीज़ें कभी कभी मशीनों के अलावा भी अपनी स्किन पे ओरिजिनल चीज़ें लगा लो, ऑर्गेनिक देसी टोट के अच्छा ही रहता है ना, मैंने कहा ऊपर का हिस्सा फेंकने से तो अच्छा ही है ना, ऐसे ही करती हूँ हमेशा। बहुत ही कम मैं सलोन की चीज़ें यूज़ करती हूँ, पानी इसका टेक इट आउट, सो ग्रेट, टेस्ट कुछ कर लेते हैं फेस पे थोड़ा, ये सी एंड नाउ आई एम डन।
जल्दी बहुत है। अब इस खीरे को बोल में रखते हैं, गोल गोल काट के छोटा बाउल ला। हो गया सारा खीरा। यस दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आज हम साथे खाएंगे एंड बच्चे कुछ खीरे भी फेस पे लग गए। दिस इज गुड, शुक्रिया। अब मैं इसको गोल गोल काटती हूँ, गोल गोल काटती हूँ, मजा आए। और जो है इसका क्या करेंगे बाद में, ऐसे 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 गोल 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 कट के मैं आपको दिखाती हूँ वो लोग साते कैसे बनाते हैं। चले ये हम लोग साते के लिए जो है ना चिकन काट रहे हैं, छोटी छोटी बोटियाँ बोनलेस, बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हम लोग साते बना रहे हैं, ये मलेशियन डिश भी है बट इट्स इंडोनेशियन स्टाइल एंड वी गोना मेक इट विद पीनट सॉस एंड शी इज मेकिंग रोटी। पता नहीं किसके लिए बना रही रोटी। अच्छा तो साते खाएंगे आज हम, क्या क्या इसमें जाता है अभी दिखाते हैं आप लोगों को। स्टे ट्यून्ड। और बोनलेस चिकन है ना, साथ में तैयार हो गया है, छोटा छोटा काट के इसमें हमने ब्लैक केचप डाला विच इज दिस वन, इट्स एन इंडो फूड केचप, ब्लैक केचप, इसको स्वीट केचप बोलते हैं। इसमें इसने मैरिनेट कर दिया केचप के साथ, दैट्स इट। इसमें पीनट सॉस है, गर्म पानी के साथ निकाला था ना गर्म पानी बोल के तक ये सॉस बन गया, पीनट सॉस बने बनाए थे। समझ गई मैं, मतलब नीचे से बीच में से। हाँ जड़ी अम्पा लीमा चुको पंपा चुको सही। ये देखो ना जड़ी अम्पा चुको चार डालो, ये चौड़ा करके तब मोटा मोटा कट गया ना। हाँ ऐसे डालो और साथे बनते हुए भी अच्छा लगता है। ये ऐसे चलो ठीक हो गया, थैंक यू। ये सब हो गया तो नाम गना फिर इट द वे शी था टीच मी हार फॉर द सते बोनलेस चिकन स्टिक पे इसमें का लंबा लंबा डालो। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके हाउ मच वुड इट, 1, 2, 3, 4, आई थिंक 4 इज इनफ, 4 इज इनफ एट अ टाइम। एंड काफ़ी ईजी इंग्रेडिएंट्स था। I want to show her once before I go ahead and make it all. So, दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को, ठीक है? She told me to put it longer. ऐसे बोले, easy. सायरा, देखो मैंने सही लगाया one, ये ना फिर बाद में सब गलत हो जाए। देखो एक बार देखो सही लगाया, ऐसा नहीं सब गलत हो जाए फिर। एक झलक देख लो ना, आई थिंक सही है ये। और कैसे होता है, चार डाला एक में, एक दो तीन चार इनफ है। यार मुझे तो सही लग रहा है, ये सही है ना। ऐसे में समझ गई, मतलब बीचों में मत डालो ऐसे क्रॉस करके। हाँ ठीक हो गया, ये डालेंगे इसके बाद फिर। इसको कैसे पकाओगी तुम, बारबेक्यू टाइप? ओ वाओ ओके पैन को आधा हवा दे सी नहीं सर कामर सप्रे डगानती गुड। इसमें एक स्टिक में चार जा रहा है तो लेट्स सी गाइस से लगेगा। एक दो ऐसे तीन एंड देन चार। वाह इतना यम्मी होता है ना ये खाने में, क्या बताएं।
कैसे बताएं कितना यम्मी होता है। खाती हूँ ना अभी आपको, देयर वी गो। अब ये सारा तैयार हो जाएगा यम्मी यम्मी। सब तैयार हो जाएगा अभी। इसको लगाते हैं, नीचे से करती हूँ इसको। हो जा रही थी ऐसे ना लगाओ बीच में से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता साथ में। कॉर्नर से लगाना चाहिए स्टिक पर। सुपर। ऐसे ये वन ऑफ द कॉर्नर। ओके, साथे इज ऑल रेडी, सब स्टिक पे लग चुके हैं। लुक एट दैट विद ऑल द बुम्बू एंड ऑल, जो भी स्पाइसेस डाल दिया सब स्टिक पे लग गया। अब इसको बनाएंगे कैसे हम देखेंगे चल कर। साथ है इज सो यम्मी। फ्रिज में रख दिया, बाद में इसको बॉइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक में। कहाँ पे रखा है साथे? एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। क्या बोल रही हो? एक सेकेंड। हाँ ये रहा साथे, हमने अभी फ्रिज में रख दिया है, सॉरी। और उसके बाद जो है पकाएंगे, इस तरह से पकाएंगे इसको, इसमें पकाएंगे इलेक्ट्रॉनिक के बाद में चिक 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 करके मजे से पकेगा। तरबूज काफ़ी मीठा है, यम्मी है। हाँ नहीं, आप धो लो बर्तन पहले आराम से सुकून से। मीठा था काफ़ी उसने, आई थिंक मिलेट सॉस भी बना लिया इसी में। दिखाऊंगी, माय गॉड ये सब जल गया। एक्चुअली ये जाना था फूड पे, अब पता नहीं किस पे, साते पे या पीनट सॉस पे, मुंह में जाएगा। बट इट्स बर्न, माय गुडनेस, लुक एट दैट। तुम खाओगी अब? अब ये फेंकेंगे तो नया डालेंगे, नहीं तो मैं उसको खिला दूंगी अक्षया को। लो ये तरबूज देखो, नकली तरबूज है। हाँ ये नकली लग रहा है, ये मीठा भी नहीं है। ये देखो वो जो मैं खा रही थी कितना मीठा था। ये देखें साथे इसकी रेडी, लुक इट सो यम्मी। क्या आवाज आ रही है, सुर 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 ढोल हो रहा है जबरदस्त। साथे मेड बाय सिस्टर साइरा। लुक एट दैट, नज़दीक से देखें आप लोग। अदू एनक बांगत यम्मी, एनक बांगत मीन्स सो यम्मी। साथे ये कुछ अभी डन नहीं है, और ये सब पीनट सॉस गरम हो रहा है। लुक एट दैट, पतीला इनअप कर लूँ। माय गॉड इसको मेल्ट किया था ना, देखें। इसके सब खाने का मज़ा ही, मुझे अपना बाली रेस्टोरेंट याद आ गया, इंडोनेशियन। ग्रिल हो रहा, उफ क्या बात है, क्या बात है। साथे नाउ वी हैव टू केक्स, एक ये और एक ये कौन सा केक है, वो कौन सा केक है जी? ये क्या है, समोसे? फ्राइड राइस रेडी। ओह माय गॉड, मैं इधर खड़ी हूँ तो ये जरा करो ऐसे, एक एक ऐसे करो ऐसे। अच्छा, और ये है क्रैकर जो हम इसके साथ खाएंगे, एंड दिस इज द केक। और क्या बस रेडी कर रहे हैं। और क्या आयशा साथ में, और क्या है? वो क्या कर रही है तुम, ब्राउनीज दिखाओ ना मुझे कैसे बनाए। ओह माय गॉश, लुक एट दैट, ओह माय गॉड, ये मेरी नीस ने बनाई यम्मी ब्राउनी मेड बाय आयशा। बन गया जबरदस्त। चलो अब इसको भी चख के बताएंगे कैसा बना है। साथ ये फ्राइड क्रैकर्स भी हैं कलरफुल, हवा ना लगे नमी की वजह से हमने इसको ओवन में करके फ्राई कर दिया था। हमने कहा इसको रख देते हैं, मैंने कहा रख दो, मैंने कहा ओके। अब चलो ये आयशा का ब्राउनी इज़ रेडी, इतना अच्छा लग रहा है काट के। इसने ऊपर से न्यूट्रेला लगा लिया, ब्यूटीफुल। तीन तीन केक है, कौन सा खाएं मैं ब्राउनी चख। चलो भाई साथे टाइम, यम्मी यम्मी खाएं। लो ट्रैफिक देखें ज़रा, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। वीवर्स अल्लाह हाफिज, आप लोगों को रात हो गई, साथे वाते भी खा लिया, एंजॉय कर लिया, टाइम टू गो होम, अल्लाह हाफिज।